E सरकार शुरू करे क्या गुड मॉर्निंग ऐसे 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 नहीं गुड मॉर्निंग ये सरकार माहौल जबरदस्त शानदार शुरू करेगा सर अपनी बात नेक्स्ट ओके yes, okay, तो सर जी वैल्यू एडेड टैक्स उधर एसी का देखना है देखना। हाँ जी इधर भी थोड़ा देख लेना एक बार ठंड लग रही है ना सर अच्छे अच्छे की ठंड उड़ने वाली सर अब देखो आप मंगल इज हियर नाउ सर सुनना वो एसी थोड़ा कम कर देना है ना कर ओके <laughs> ओके 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 सर बोला एसी के लिए ना स्क्रीन नहीं आ, कर रहे ओके ओके यस सर गुड मॉर्निंग ये हुई ना बात सर सो सैनव क्रेडिट सरकार यस yes, सर माहौल जबरदस्त शानदार ठीक है सर तो सरकार पॉइंट बराबर से ये आपने मुझे ये बोला मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला क्या क्वेश्चन पूछा मैंने सर आपसे ये दस का क्रेडिट क्यों मिला और आपने मुझे बोला कि सर परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिला हा है ना सर ठीक है देखते हैं। सर दर्शन भाई यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन और मान लो पेन पे एक्साइज ड्यूटी है समझना ध्यान से मजा आएगा जीवन में पेन पे एक्सरसाइज क्या बेटा एग्जेम मान लो देखो और सेकेंड में नहीं मानेगा फर्स्ट अटेम्प मानेगा ओके मान लो सर पेन बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल परचेज किया अगेन प्लास्टिक परचेज किया सर कितने का हंड्रेड का अच्छा प्लास्टिक पे एक्साइज एग्जाम एक नहीं है पेन पे एक्साइज एग्जाम एक है सर तो जब अथर भाई ने इनको रॉ मटेरियल बेचा होगा तब इस पर तो एक्साइज लगाया होगा बेटा टेन परसेंट टेन टोटल हंड्रेड okay, टेन ओके मालिक

यह वैल्यू एडिशन ओके बेटा कितना हो गया सेल प्राइस 150 फिफ्टी इज सेल प्राइस ऑफ पेन इस पे बेटा लड्डू अरे ना भाई 150 में मैंने इसने पेन बनाया और कस्टमर को बेच दिया अब मुझे बताओ सर पेन पे एक्साइज किया था बेटा एग्जाम था अब गवर्नमेंट ने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे जो टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट नहीं दिया तो क्या कोई मल्टीपल टैक्सेशन हुआ क्या नहीं। क्या कोई कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ क्या नहीं। तो अगर गवर्नमेंट ने क्रेडिट नहीं दिया तो क्या गलत किया नहीं। आवाज नहीं आ रही वही पक्का बिल्कुल सही किया क्लियर तो अभी तो आपने बोला कि सर परचेज पे टैक्स पे करते हैं इसलिए क्रेडिट मिलता है यहां पर भी तो परचेस पे टैक्स पे किया क्या क्रेडिट मिलना चाहिए दिल से आवाज नहीं आ रही है। क्या क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं। तो नहीं दिया तो क्या गलत किया है बिल्कुल सही किया है बेटा। क्लियर? तो आप मुझे बताओ अब मुझे सोच के बताना अब मुझे सोच के बताना कि आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला क्या परचेस पे टैक्स पे किया केवल इतना सफिशियंट टू तो क्लेम द क्रेडिट सर केवल परचेस पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता और सोचिए ना यार आपने भी तो मोबाइल परचेस किया है आपने भी तो कपड़े परचेज किए क्या आपने कभी क्रेडिट लिया है क्या समझे आप मेरी बात तो केवल परचेस पे टैक्स पे करते इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता अब मुझे बताओ आप आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला हाँ <laughs> चलो अब आप लोग जो आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही है इन सारे आंसर को मैं मर्ज करके एक सिंगल लाइन में बोलता हूं बेटा बोल दो बेटा मैं दस का क्रेडिट क्यों मिला दिल थाम के सुना? क्योंकि ये वो मंत्र है जिसकी वजह से जीएसटी आया है ये वो मंत्र है जिसके बेस पे मैं पूरा इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा दूंगा सर आपको क्लियर आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है अच्छा सर पूरा एक-एक वर्ड पे ध्यान आपका होना चाहिए बेटा ओके कसम आपको उसकी बेटा किसकी स्कूल के फर्स्ट क्रश की बेटा सर बहुत सारे लोग बोल जाने तो जाने तो सर कोई तो लौट नहीं अब सर अब तो वो भी किसी और के हो चुके और हम भी नहीं क्या किसी और के हो चुके सर सुनना। <coughs> okay, okay, okay. सर ओके 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 बस बस अरे अब उसका जो चेहरा आपके सामने आ रहा है उसको भूल जाओ दस सक्रेट क्यों मिला उधर ध्यान दो बेटा क्लियर सर अच्छा अच्छा सही बताना स्माइल करता हुआ चेहरा सामने आया या गुस्से वाला आया है उसके स्माइल की कसम ध्यान नहीं दे रखना बेटा सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये है दस क्रेडिट क्यों मिला सुना सुना क्योंकि टैक्स जो तो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है कितना पे लग रहा है बेटा विच इंक्लूड्स हंड्रेड विच इंक्लूड्स टैक्स और वापस से पूरे वन फोर्टीड लग रहा है मल्टीपल टैक्स कैस्केटिंग इफेक्ट हो जाएगा यार। अगर नहीं मिला तो बेटा इसलिए दसा क्रेडिट मिला यस yes या नो yes. अच्छा शायद ये जो मैंने आंसर बोला है, ये आपके माइंड में भी आ गया था मैंने उसका ड्राफ्ट कर दिया ढंग से एक लाइन में बेटा हाँ ना भाई

क्यों मिला क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे विच इंक्लूड्स हंड्रेड ऑन विच ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पे टैक्स लग रहा है सो टू अवॉइड मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला हाँ या ना आंखें बंद आंखें बंद अब हम इसको फिल करेंगे क्या करिए दस का क्रेडिट क्यों मिल रहा है सर आंखें बंद अगर आंखें खुल गई तो सर वो यहां पे आके बोलेगा और सर हम उसको देखेंगे सर सब क्लियर सर, सर आखिर दस क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स लग रहा हो पूरे अच्छा अच्छा फील 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 करना है टैक्स ओ क्या फील सर, <laughs> <laughs> सर, ओके ओके, 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 ओके सर <coughs> आखे बंद आखे बंद आखे बंद सर आईज क्लोज ओके आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स तो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है अब फील करिए आराम से विच इंक्लूड हंड्रेड यार ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग हंड्रेड पे टैक्स लग रहा है यार मल्टीपल टैक्स हो जाएगा क्रेडिट नहीं मिला तो कैश नहीं इफेक्ट हो जाएगा सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला ओम शांति शांति धीरे धीरे आवाज को, आंखें खोलना बेटा एकदम धीरे धीरे देखो क्या दिखा आपको बेटा ओके भगवान के दर्शन हुए आपको बेटा <laughs> बहुत ही बढ़िया सर आनंद आ गया जीवन में तो सर आखिर दस का क्रेडिट मेरा समझ में आया गया बेटा आपको ये अरे क्लियर पक्का डन तो सर

तक पिक्चर क्लियर? अच्छा आउटपुट गुड्स पे अगर एक्साइज तो यू टेल मी अगर आपके आउटपुट गुड्स पे एक्साइज एग्जिमट है तो क्या दस का क्रेडिट मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए क्या जीवन में कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि क्रेडिट क्यों मिला बेटा समझे मेरी बात अब आपका माइंड ऑटोमेटिक बोल रहा है कि सर पे ये नहीं होना चाहिए मेरी गारंटी है बुक के अंदर देख लेना यही लिखा होगा जो आप सोच रहे होंगे बुक में याद कर लिया क्लियर मैं चाहता हूं आपके माइंड को ऐसा डायरेक्शन दू कि आपका माइंड खुद बोले ये सर ये होना चाहिए और मेरी गारंटी है अगर वो बुक के अंदर मिल गया तो माहौल बन जाएगा क्योंकि प्यार किया नहीं जाता प्यार तो <coughs> चढ़ती शराब से नहीं है चढ़ती <coughs> तो सर <जार। laughs> तो <जार। laughs> ओके ओके सरकार सुनना सुना ओ ओ शरी अब थोड़ा सा एक स्टेप आप एक स्टेप आप चलते सर अब सुनो भाई ध्यान से हाँ हाँ दिखेगा सबको दिखेगा वक्त आने पर सब दिखेगा बेटा ओके सर 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 सेन प्लस वेट सुना ध्यान से सरकार अब मैं एक मैन्युफैक्चरर बेटा आई एम मैन्युफैक्चरर क्या बनाता है बेटा मार्कर्स मार्कर्स पेन पे एक्सरसाइज एग्जाम बेटा क्लियर मार्कर्स मार्कर जब बनाता हूं बेटा उस पर लगता है एक्सरसाइज मार्कर जब बेचता हूं क्या लगेगा वेट अच्छा जब रॉ मटेरियल परचेज क्या होगा इसने भी तो रॉ मटेरियल बेचा है बेटा अगेन इसने भी क्या भी क्या लगाया होगा वेट सुनना ध्यान से सर मैंने आपसे रॉ मटेरियल परचेज किया बेटा कितने में हंड्रेड में उस पर एक्साइज ड्यूटी कितना बेटा 10 परसेंट कितना हो गया बेटा 10। टोटल हंड्रेड एंड टेन फिर सिंस मैन्युफैक्चर होने के बाद बिकता है बेटा गुड्स इसलिए पहले लग गया एक्साइज फिर सेल होगा बेटा अब क्या लगेगा बेटा वैट सपोज रेट ऑफ वेट इज फोर कितना होता बेटा फोर फोर जीरो टोटल कितना हो गया बेटा वन वन फोर पॉइंट फोर जीरो टोटल प्राइस आ गई बच्चों अरे क्लियर मैंने हंड्रेड एंड फोर्टीन में 114.4 फोर्टीन पॉइंट फोर में रो मटेरियल मैंने परचेज किया टेन रुपी और वेट था 4.4 रुपी यहां तक तो क्लियर बेटा आपको

अवेल्ड कितने का बेटा टेन का सेंट्रल गवर्नमेंट को पे था बेटा। वेट क्रेडिट अवेल्ड का Availed, पे? सा लिख Availed, कितने का? का। का अब सर मैंने वेट क्रेडिट वे लिया आप मुझे बताओ आउट ऑफ वन वन फोर पॉइंट फोर जीरो का मेरे को क्रेडिट मिल गया तो मेरी कॉस्ट कितनी बच गई बेटा कॉस्ट कितनी होगी बेटा हंड्रेड फिर मैंने अपना वैल्यूडेशन किया बेटा हूं तो करो कम से कम अच्छा हाँ बोलने में अगर दिक्कत हो ना बेटा हूं भी चलेगा मेरे को चलेगा क्लियर पर कुछ ना कुछ आना चाहिए बेटा ओके सर मैंने वैल्यू डिशिंग किया कितना फोर्टी फोर्टी में तो हूं नहीं चलेगा फोर्टी चलेगा बेटा <laughs> क्लियर सर सेल प्राइस कितना हो गया बेटा मेरा आउटपुट गुड्स बन गया कितने का मालिक 140 का सिंस मैंने बनाया आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ आउटपुट गुड्स क्या लगेगा <coughs> एक्सरसाइज कितना बेटा 10 14 टोटल 150 फोर बेचूंगा क्या लगेगा वेट सपोज 4% 6.16 होता है सर 160.16 मेरा सेल प्राइस आ गया मेरा मतलब आउटपुट गुड्स का सेल प्राइस आ गया 160.16 का कस्टमर को मैंने 160.16 का बिल बनाया कस्टमर से मैंने 160.16 अमाउंट लिया अब सर इसमें से 14 में किसको पे करूंगा बताइए बेटा 14 क्या है एक्सरसाइज किसका रेवेन्यू है किसको पे करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को जब मैं फोर्टीन एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा मैंने दस रुपए ऑलरेडी पे किया हुआ बेटा आप ये दस का क्रेडिट मैं क्या करूंगा अवेल किया हुआ है बेटा क्लियर परचेज पे आपने टैक्स पे किया क्रेडिट अवेल कर लिया अवेलेबल क्रेडिट अवेलेबल क्लियर आपने अवेल पहले ही कर लिया अवेल मतलब क्रेडिट वॉज टेकन क्रेडिट ले लिया था बेटा दैट वॉज अवेलेबल विथ यू टू यूज

मजा आ गया भाई पैसा वसूल हाँ है ना देखो गलती यहां हो जाए अच्छा है वहां नहीं होनी चाहिए बेटा क्लियर कोई तकलीफ नहीं है अगर मैं कह रहा हूं आपको कोई आंसर आप, आपने दिया है गलत हो गया ना सर वहां खुश होने का दुखी नहीं होने का वहां आप क्या पता है अप्रोच का ही फर्क है सर अगर आप खुश हो रहे हो ना सर तो आप आगे बढ़ोगे और दुखी हो तो आप पीछे हटोगे सर क्लियर कोई तकलीफ नहीं सर आंसर गलत आएगा आएगा कोई तकलीफ नहीं मैं सही कर दूंगा सर मैं आया इसलिए हूँ सर क्लियर अपना अल्टीमेट एम क्या है जो नहीं आता वो आना चाहिए बेटा आपने को बस वो हो रहा है क्लियर ठीक सर तो सर वेट किसका रेवेन्यू है सर वेट किसका रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट का है किसका है सर स्टेट गवर्नमेंट का अरे क्लियर ठीक अब सर वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट किसको पे करूंगा अच्छा मान लो मैं हूं महाराष्ट्र में बेटा तो किसको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बेटा अरे क्लियर अच्छा ऑलरेडी हूं बेटा 4.4 का उसका क्रेडिट ले चुका हूं बेटा? ये ये पीएमटी मतलब पेमेंट है बेटा है ना वो आईआईटी पीएमटी वाला नहीं है बेटा आपने सुना हो पाएगा इसलिए सी कर रहे है बेटा क्लियर सर क्या है ये पेमेंट क्या है वाली पेमेंट कितने का पे किया बेटा मैंने 1.76 मेरे बैंक से मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हाँ है ना भाई पक्का ठीक है कोई डाउट है समझ में आ रहा है कि जा रहा तो चलो मुझे बताओ एक चीज एक क्वेश्चन पूछ लो बेटा बताओ ये दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे वन फोर्टी लग रहा है विच इंक्लूड्स ऑन विच वे ऑलरेडी बेट द टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है सो टू द मल्टीपल टैक्सेशन एंड दस क्रेडिट पर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये ये नहीं था यार, ये तो मैंने फ्लो फ्लो में पूछ लिया सर आपसे एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर बोलो 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है विच इंक्लूड हंड्रेड एंड टेन ऑन विच ऑलरेडी पेड द वैट और वापस से पूरे 154 फिफ्टी फोर इंक्लूडिंग हंड्रेड पे वेट लग रहा है सो टू अवॉइड दी मल्टीपल टैक्स एंड दस क्रेडिट फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट मिला हा या ना? मतलब वेट हो या सेंड वेट हो फंडामेंटल एब्सोल्यूटली सेम यस या नो क्लियर सिंस वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स इसलिए सेनवेट सेंट्रल वैल्यूडेड टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है इसलिए वेट हाय ना मालिक क्लियर yeah. कुछ समझ रहा है कि नहीं आ रहा है चलो यार एक चीज बताओ यार क्या मैं सेंडविड क्रेडिट वेट के लिए यूज कर सकता हूं क्या सर मान लो मेरे पास सैंडविड क्रेडिट एक्स्ट्रा है और वेट की लाइबिलिटी है एक्स्ट्रा क्या सैंडविड क्रेडिट वेट में काम आ सकता है क्या बेटा क्या वेट का क्रेडिट सैंडविड में काम आ सकता है क्या लॉजिकल बात करें हम सर देखो मैंने बात करी आपसे शुरुआत में ही कि आई हैव अज्यूम कि आपको कुछ भी नहीं आता है बेटा आप आराम से लॉजिकल से बात करो सर मेरा प्रोमिस है सर आपसे पूरा सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेंगे सर क्लियर आप बस लॉजिक से बात करो सोच के बात करो इन्वॉल्व होकर बात करो आप और मैं बैठे और कोई नहीं बैठा है बस आप और मैं बात कर रहे हैं सर यहाँ पे बात खत्म आप अगर वीडियो क्लासेस में हो बस आप और मैं बात कर रहे चिल्ला के बोलो मम्मी बोले पीछे जाओ हो क्या रहा है ये पढ़ाई चल रही है माहौल ऐसे ही बनता है सर क्लियर पर बोलना तो पड़ेगा आपको हाँ है ना भाई ठीक सर तो आप मुझे बताओ कि सर सैंडविच क्रेडिट क्या वेट में काम आ सकता है क्या बेटा वेट क्रेडिट सैंडविच में काम आ सकता है क्या बच्चे क्यों नहीं भाई अगर टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो क्रेडिट भी वही देगा यार और टैक्स पे किया को शिंदे जी को तो क्या मोदी जी क्रेडिट देंगे क्या नहीं। सिंपल सी बात है यार ये तो मेरा पॉइंट आपसे ये है कि मान लो मैंने जो गुड्स बनाया है उस पर एक्साइज लगता है पर वेट नहीं लगता मान लो समझना मत को हो सकता ना यार ये मैंने जो गुड्स बनाया उस पर एक्साइज लगता है पर वेट नहीं लगता आप मुझे बताओ मेरे को सैंडविड क्रेडिट मिलेगा क्या एक्साइज लगता है सैनविड क्रीड मिलेगा क्या सर वेट वेट नहीं लग रहा तो वेट पे क्या परचेस पे पर परचेस पे वेट पे क्या हुआ साहब उसका क्रेडिट मिलेगा क्या सर मेरे को पक्का मान लो मेरी सेल पे वेट लगता है पर एक्साइज नहीं लगता तो सैंडविड क्रेडिट नहीं मिलेगा पर वेट का क्रेडिट

क्लियर चलिए सर 100 परसेंट अच्छा कुछ पढ़ रहे हो या सीख रहे हो बस केवल डायलॉग बाजी नहीं सर ना? है ना मजा आना चाहिए सर जीवन में सर अंदर तक ठीक है ठीक अब मेरा पॉइंट आपसे ये सर सुनना एक मिनट लगेगा अब ध्यान इधर वापस मान लो <coughs> बहुत ही बढ़िया सर नेक्स्ट स्टेप ले जाओ मैं आपको बेटा आप ठीक सर्विसेज सपोज आई एम अ सर्विस सप्लायर आई एम अ सर्विस सप्लायर क्या प्रोवाइड करता बेटा में सर्विसेज कौन सी <laughs> आओ कभी हवेली पे <laughs> सर <सर्थ। laughs> <laughs> बुलाती है मगर <laughs> चलिए सरकार ओके okay. अब सर कोचिंग सर्विसेज कंसल्टेंसी सर्विसेज मार्केटिंग सर्विसेज एडवर्टीजमेंट सर्विसेज एन नंबर ऑफ सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो बेटा सर्विसेज भी क्या लगता है बेटा सर्विस टैक्स अभी जीएसटी आया नहीं फर्स्ट जुलाई सेवेंटीन से पहले की बात चल रही सर वन सपोन टाइम इन इंडिया बेटा नॉट इन मुंबई सर सरकार मैंने सर्विसेज सप्लाई करी सर्विसेज भी क्या लगेगा बेटा सर्विस टैक्स ओके सोचना ध्यान से अच्छा अब थोड़ा सा ना पूरा ध्यान मेरी तरफ बेटा मतलब थोड़ा सा पूरा ध्यान नहीं पूरा ध्यान मेरी तरफ ओके बेटा सर ध्यान देना और सोच के आंसर देना बेटा आराम से मस्त ओके सर आई एम अ सर्विस सप्लायर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं सर्विसेज पे क्या लगने वाला बेटा सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटा हाँ ना भाई एक्सरसाइज किसका रे बेटा खे। खे। क्लियर मान लो मार्कर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए <coughs> मार्कर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने आप लोगों से रॉ मटेरियल खरीदा बेटा आपसे आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली आपसे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज ली आपसे कंसल्टेंसी टेक्निकल सर्विसेज बहुत सारी सर्विसेज ली बेटा उन सर्विसेज मैंने क्या पे किया होगा बेटा

ये सब बना के मैं बेचूंगा इस इसमें क्या लगेगा पहले बेटा एक्साइज मी एक्साइज जो मैं पे करूंगा आपसे कलेक्ट करूंगा गवर्नमेंट को पे करूंगा बेटा मैं ये की लाइब्रेरी को पे करने के लिए सर्विस टैक्स जो मैंने पे किया था उसका भी क्रेडिट दिल क्या कहता है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बुक्स में क्या लिखा हो छोड़ो दिल क्या कहता है मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर हंड्रेड परसेंट मिलेगा सर क्लियर मतलब एक्साइज हो या सर्विस टैक्स एक्साइज हो या दोनों को क्या मिलेगा credit. अब भले एक्साइज की हो या सर्विस टैक्स की हो दोनों के लिए आप के कर सकते हो। चलिए, सर्विस दे रहा हूं सर उसके लिए सब कैपिटल गुड्स काम आ रहे हैं सर हाँ ना मालिक कैमरा मशीन वगैरह सब देख रहे हो बेटा आप इन पे मैंने एक्साइज पे क्या मान लो इनपुट वगैरह मैंने क्या पे किया एक्साइज पे किया अच्छा मैंने आपसे मार्केटिंग वगैरह सर्विसेज़ ली, उस पे क्या पे किया? सर्विस, पे किया अब मेरे सर्विस पर सर्विस, सर्विस, सर्विस टैक्स भी पे किया बेटा आप मुझे बताओ मेरी आउटपुट सर्विस पे जो सर्विस टैक्स की लाइब्रेड आ रही है उसके लिए मेरे को एक्साइज और सर्विस टैक्स का सैंडवर्ड क्रेडिट मिलना चाहिए सर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर बिल्कुल मिल जाएगा साहब कोई तकलीफ वाली बात नहीं है यहां तक क्लियर है सर आपको पक्का मतलब एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो दोनों का नाम अलग है, है सर केवल काम एक ही सर दोनों रेवेन्यू किसका है पता है आउटपुट पे लाइब्रिटी आपकी सर्विस टैक्स की हो या आउटपुट पे लाइब्रिटी आपकी एक्साइज की हो दोनों के लिए सर्विस टैक्स और एक्साइज दोनों का सर्टिफिकेट मिलता है बेटा इसलिए एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो दोनों को एक ही अकाउंट में डाला जाता है नाम क्या है सर्विस टेक्स पे किया, कि? किया। दोनों को क्या मिलेगा सेन्वेट अब की हो या? टेक्स की हो सर के उसका यूज कलना भारत माता की छे। यहां तक पिक्चर क्लियर रह गया सर आपको हंड्रेड परसेंट पक्का चलिए तो मैं एक बार और यहां लिख देता हूं सर सर, एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स वैट। पिक्चर बेटा ओके सर 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 एक मिनट एक मिनट ध्यान पूरा इधर मैंने इनपुट परचेज किया इनपुट सर्विस परचेज किया या कैपिटल गुड्स परचेज किया कितने में परचेज किया बेटा अच्छा आई इन मतलब इनपुटरी इनपुट इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स कितने का कितने का इस पे एक्साइज ड्यूटी पे किया सर्विस टैक्स पे किया कितने का बेटा हंड्रेड टेन टोटल क्लियर अच्छा इनपुट अच्छा सुन रहे इनपुट और कैपिटल गुड्स पे वेट भी लगा होगा बेटा सर्विसेज में नहीं होगा पर इनपुट और कैपिटल गुड्स पे लगा होगा बेटा चलिए हम वेट भी लिख देते हैं सर यहाँ पे कितना सपोज फोर परसेंट कितना होगा बेटा फोर पॉइंट फोर जीरो टोटल वन वन फोर पॉइंट फोर जीरो ये हो गया अपना परचेज इन्वॉइस बेटा यहाँ तक क्लियर पिक्चर दस का मैंने क्या अवेल किया बेटा बोलो ना सेनवेट क्रेडिट सर 4.4 का मैंने क्या अवेल किया बेटा वेट क्रेडिट अरे क्लियर ठीक सर अब सर अगर मेरे को दस और फोर पॉइंट फोर का क्रेडिट मिल गया तो मेरी अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी होगी बेटा हंड्रेड मैंने वैल्यू एडिशन किया कितना के, का बेटा फोर्टी टोटल कितना हो गया सर वन फोर्टी ये मेरा आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस समझ लीजिए बेटा ओके क्लियर सर अच्छा मैंने जस्ट ये ना आपको समझाने के लिए लिखा है बेटा कि सो पे एक्साइज़ सर्विस टैक्स लगा और वेट भी लगा दिया मैंने बेटा बेटा ना ना अगर ये सो में सर्विसेज़ होती तो तो वेट नहीं लगता ना। अभी का इस पर क्या लगेगा मेरे मालिक एक्साइज ड्यूटी टैक्स सर्विस टैक्स बच्चे क्लियर मान लो टेन परसेंट कितना मान लो अच्छा सर्विसेज होती तो वेट लगता ही नहीं बेटा सर्विस होती वेट लगती नहीं मान लो गुड्स है तो क्या लग गया बेटा वेट सपोज फोर परसेंट था अच्छा रेट जो मैंने लिखी ना टेन परसेंट फोर परसेंट जस्ट हमारे एग्जाम्पल के लिए लिखी बेटा ठीक है ओके okay, मालिक क्लियर पे .16, करना है कैसे पे करूंगा मालिक अरे किसको पे करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, को कैसे पे करूंगा दस का स्टैंड गेड यूज बैलेंस फॉर पेमेंट सिक्स पॉइंट वन सिक्स 4 .4 का वेट क्रेडिट यूज वन पॉइंट सेवन सिक्स पेमेंट भारत माता की जय हा भाई तो सर सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो दोनों का क्रेडिट दोनों के लिए मिलता है पर वेट का क्रेडिट वेट के लिए मिलता है बेटा हाँ है ना भाई यहां तक समझ में आया पिक्चर आपको क्लियर ठीक तो सर दस का क्रेडिट क्यों मिला फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट क्यों मिला यहां तक आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो गई ठीक है अभी दो मिनट में रखना अगर कॉपी पूरा नहीं हुआ तो आप बाद में यू कैन हैव अ क्लिक है ठीक है बेटा ओके अभी जाएंगे इधर हाँ, यहां तक मजा आया सर सर आपको अब सर पता है थोड़ा प्रैक्टिकल मार्केट में उतरते सर आप ठीक है सर और देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है गवर्नमेंट ने तो बैंड बजा दी सर दस का क्रेडिट मिलेगा दस का क्रेडिट मिलेगा कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा देखते भी है सर मान लो I am a manufacturer. I am a manufacturer. मैं गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूं साँग. मैंने गुड्स मैं मैं के, के बेचा होगा साइज भी लगा होगा वेट भी लगा होगा सर मेरी सेल पे? जनरल बात कर रहा हूं इंडस्ट्री स्पेसिफिक तीन इंडस्ट्री में ले रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ट्रेडिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री बच्चे ठीक है अब सुनना तीनों इंडस्ट्री में तकलीफ क्या थी बेटा आखिर क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाना पड़ा बेटा जब मिल मिल रहा था, क्या थी? 4 .4 का वेट मिल रहा था था क्या क्या तकलीफ तकलीफ थी थी का सर क्यों जीएसटी क्लियर बात करते हैं सर वही बात पे चल रहा है बेटा। तो सरकार मान लो आई एम मैं क्या बनाता हूँ बेटा गुड्स बना के बेचता हूं अब मेरी सेल पर एक्साइज भी लगने वाला मेरी सेल पर वेट भी लगने वाला सिंस मेरी सेल पर एक्साइज लग रहा इसलिए मेरे को मैंने मेरे परचेज पर सर्विस टैक्स पे किया हो या एक्साइज पे किया हो दोनों का क्रेडिट मिलने वाला बेटा और परचेज पे पर अगर वेट भी पे किया तो भी तकलीफ वाली बात नहीं उसका भी मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा मतलब मैन्युफैक्चरर तो साहब कोई तकलीफ नहीं थी उसको एक्साइज हो सर्विस टैक्स हो वेट हो सबका क्रेडिट मिल रहा यहां तक क्लियर चलिए सर मान लो आई एम अ ट्रेडर आई एम आ क्या करता हूं बेटा मैं ट्रेडिंग किसकी गुड्स गुड्स मतलब माल अबे ओ आइटम सर आप जो सोच रहे हो उसपे ठीक है सर पॉइंट मेरा आपसे ये कोई टैक्स नहीं लगता उस पर सर इधर ध्यान क्या बाद में एनालिसिस करेंगे सर इसका ठीक है सर ओके <coughs> ओके okay, okay. तो सरकार 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 सर मैं क्या बेचता हूं गुड्स ट्रेडिंग करता बेटा मैं गुड्स खरीदता गुड्स बेचता गुड्स खरीदता गुड्स बेचता सर आई एम अ ट्रेडर ट्रेडिंग करता हूं जब मैं गुड्स बेचूंगा तो मेरे आउटपुट सप्लाई पे टैक्स कौन सा लगने वाला है सर केवल वेट लगेगा बेटा एक्साइज सर्विस एक। टैक्स केवल क्या लगेगा बेटा वेट अब मेरी सेल पे केवल वेट लग रहा परचेज पे अगर मैंने वेट पे किया होगा तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा पर एक्साइज का एक्साइज का सर्विस टैक्स का क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पता है दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि मेरी सेल पे केवल वेट लग रहा तो वेट का ही क्रेडिट मिलेगा साहब सेनोर क्रेडिट नहीं मिलेगा मेरी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा बेटा हा ना भाई मैंने सो में अगर मैंने गुड्स खरीदा उस पर दस रुपए एक्साइज कितनी हो जाएगी क्योंकि मेरे को दस का सर, तो सर, मैंने कोई गुड्स खरीदा है क्या खरीदा सर गुड्स अब अगर मैं ट्रेडर हूं उन गुड्स को मैं बेचने वाला हूं बेटा अब उन गुड्स को सोचिए अगर मैंने किसी मैन्युफैक्चरर से परचेस कर लिया परचेस परचेज किया बेटा मैन्युफैक्चरर से

तो आप मुझे बताओ अगर मैंने दस लाख की सर्विसेज सर्विस 15%, 15. कितना हो 1 पूरा मेरी का क्यों नहीं मिल रहा, रहा प्रैक्टिकली क्योंकि मेरी सेल पे सर्विस टैक्स नहीं लग रहा बेटा पर आप बिजनेसमैन की एंगल सोचो यार मैंने टैक्स तो दिया है ना गवर्नमेंट को यार अरे तू तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले स्टेट ले हमें क्या करना यार हमारा तो टैक्स जा रहा है यार पर एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा दिल में दर्द है कि नहीं बेटा सर एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा बेटा क्लियर ये था ट्रेडर का दुख बेटा ये था ट्रेडर का दुख अब देखो सर आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करता आपसे मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं सर 2010 से पढ़ा रहा हूं बेटा मैं मैं मेरी बात ही कर देता हूं सर दो दस से दस क्यों मिला दस का मिला ये फंडा किया हुआ सर पूरा पढ़ा रहा हूँ क्लियर अब सोचिए सर्विस प्रोवाइडर पे क्या लैपटॉप परचेस किया आईपैड परचेज किया कैमरा परचेस किया टीवी परचेस करा सर कई सारी मशीन माइक सिस्टम वगैरह सब कुछ परचेज किया इनके परचेज पे क्या पे किया होगा बेटा अगर एक्साइज पे क्या होगा तो सैन्य मिल जाएगा बेटा वेट पे क्या होगा तो एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा अच्छा मार्केटिंग वगैरह सर्विसेज होगी मैंने इनपुट सर्विस उनका गवर्नमेंट सर्विस 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 तो ने तो बहुत ही आसानी से दस क्या बेटा अब अगर सोचिए गवर्नमेंट ने बोला है मेरे को कि मंगल तेरे को क्रेडिट मिलेगा एक्साइज पे किया तो तेरे को सैनविड क्रेडिट मिल जाएगा वेट का नहीं मिलेगा हाँ ना भाई चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके बात करते हम सर मान लो मेरे को अपने एक्सरसाइज पे किया होगा तो मेरे को सैन्य मिल जाएगा बेटा अब ये मेरे परचेस बिल पर एक्सरसाइज लिखा होगा तो क्रेडिट मिलेगा ना यार परचेस बिल पे एक्सरसाइज कौन लिख सकता बेटा जो एक्सरसाइज पे करेगा एक्सरसाइज कौन पे करता बेटा मैन्युफैक्चरर तो बिल पे एक्साइज भी कौन लगाएगा बेटा मैन्युफैक्चरर हा ना सर सर यानी सर बोलना है आंसर देना यस हाँ सर सुनना बात ध्यान से तो मेरा पॉइंट आपसे ये कि सर अगर मैंने एक्साइज पे किया होगा तो एक्साइज क्रेडिट मिल जाएगा बेटा मेरे को एक्साइज कौन लगा सकता बिल बेटा बिल पे मैन्युफैक्चरर क्लियर मतलब मेरे को अगर वो एसी सी करना है तो किससे परचेज करना है मतलब ये दस एसी का अगर मेरे को सेनोटिकेट चाहिए तो आई शुड डायरेक्टली गो टू दी मैन्युफैक्चरर ये एक आईपैड का क्रेडिट चाहिए तो आई शुड गो टू दी ये कैमरा का क्रेडिट चाहिए टीवी का क्रेडिट चाहिए तो आई शुड गो टू दी ये ओ जनरल कैसी मान लो सर इसका मैन्युफैक्चरर का है पता आपको? का है आपको फैक्ट्री का इसकी पता है आपको बेंगलुरु बेंगलुरु में मान लो अरे जो आपको नहीं पता हो मेरे को पता बेटा क्लियर सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि सरकार अगर मेरे को ये दस ए सी का क्रेडिट चाहिए तो आई शुड बाय फ्रॉम तो दस ए लेने के लिए मैं बेंगलुरु जाऊंगा दस तो चलो अपनी क्लास में बढ़ी इसलिए बाकी लोगों के लिए तीन तीन ही बहुत है सर अब मेरा पॉइंट आपसे अब मेरा पॉइंट आपसे ये कि सर अब सोचो आप ध्यान से ये दो एसी सी तीन ए सी पांच ए एक आईपैड ये खरीदने के लिए मैन्युफैक्चरर पर जाऊंगा बेटा मैं और चला भी गया तो क्या वो मैन्युफैक्चरर दो एसी पांच एसी बेचेगा मेरे को बेटा मैंने उसके बाद दो एसी निकालना अरे दो ट्रक एसी सप्लाई करो मेरे दो ट्रक नहीं दो एसी बाहर निकल अरे वो एक काम करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कब करेगा यार प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली मैं वहां जाऊंगा नहीं और गया भी तो भी प्रैक्टिकली वो मेरे को बेचेगा नहीं बेटा हाँ ना

वेट का ग्रेट? मैं गुड्स किससे कर दूंगा बेटा प्रैक्टिकली मैं गुड्स किससे परचेज करूंगा बेटा मैं? ट्रेडर से बेटा वो बिल पे क्या लगाएगा बेटा जो चाहिए वो है नहीं जो है वो चाहिए नहीं। प्लीज डोंट लिंक इट विद द लाइफ सर हा है ना सर मेरे बिल पर एक्साइज चाहिए जो बिल पे लिखा हुआ है नहीं बिल पे वेट लिखा हुआ रहा जो मेरे को चाहिए नहीं क्योंकि सर्विस सप्लायर क्या लगता है बेटा सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स के लिए मेरे को मिलता है, प्रैक्टिकली बात करें नाइनटी नाइन परसेंट केस में एक्साइज का बिल सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिल पाता बेटा हा है ना तो सर सोचिए दस का क्रेडिट मिलेगा दस क्रेडिट मिलेगा <laughs> अरे मैंने खुद ने भाई साहब 2017 से पहले एक रुपए का सर्टिफिकेट नहीं लिया बेटा

वो भी तो उसने आसपास के किसी शोरूम वाले से लिया होगा तो सर उसके बिल पे क्या लगा होगा वेट वेट का क्रेडिट मिल जाएगा सर उसको पर एक्साइज का क्रेडिट तो नहीं मिल पाएगा ना यार पर कहीं न कहीं पे तो हुआ हुआ सर उसपे तो प्रैक्टिकली बात करें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन वॉज नॉट सो स्मूथ इन दी, इन दी प्रीवियस लोज बेटा

ड्रेम ऑफ़ अ टैक्सेशन सिस्टम कि सर एक काम करो सबको हटाओ हो। और एक ही टैक्स कर दो वन नेशन वन टैक्स और सपना देखा गवर्नमेंट ने कि क्यों ना इन सबको मर्ज करके एक ही टैक्स लिया नाम क्या होगा बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स सपना देखा गवर्नमेंट ने जीएसटी का कि सर

हाँ ना सर तो सपना देखा बेटा सपने तो आप भी देखते हो बेटा पर सारे सपने पूरे नहीं नहीं। हाँ सपने पूरे जरूर होते हैं बेटा पर उन्हीं के होते जो उसके लिए काम करते हैं 2014 में आई क्या मोदी सरकार उससे पहले सपने बहुत देखे बेटा इन्होंने <laughs> पर हो नहीं पाया अब समझ बात पाते स्टोरी बहुत मस्त तो वाली आपको रियलिटी बताऊं? सीए की कम्यूटी का क्या पावर बताऊं मैं आपको? लो आ जाओ सर सर दिसंबर 2010। दिसंबर 2010। विंटर विंटर सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का सर कांग्रेस गवर्नमेंट थी सर बात कोई बीजेपी कांग्रेस की नहीं सर बात को समझना ध्यान से आपको समझ में आएगा क्या रियलिटी से और जो बात बता रहा हूं किसी न्यूज में नहीं है सर ये बात सुनना ध्यान से सर। सरकार दिसंबर 2010 हजार दस पार्लियामेंट का सेशन था भाई और 2014 में इलेक्शन आने वाले थे लोकसभा के सर और मैडम मैडम कौन राहुल की मम्मी सर हाँ सोनिया सर सर सुनना अरे देश को लूट खाया है साहब क्या बताओ मैं आपको लूट लिया हम सबको और हम हंस बैठ के सुनना सर सुना बात से अब मालिक क्या हुआ इनको पता था इलेक्शन आने वाले जीएसटी इज वन ऑफ द बिग इश्यू अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए हम जीएसटी लेके आए हम जीएसटी लेके आए और उन्होंने बोला जीएसटी लाना है मैडम ने आदेश दे दिए जीएसटी लाओ पप्पू समझ नहीं आया बेटा वो समझा गुड नाइट स्वीट ड्रीम टेक केयर जी एस टी अब मालिक हुआ क्या सुनना बात अब सर मैडम ने आदेश दे दिया कि लाना जीएसटी कैसे भी करो सर लगी टीम पूरी मेहनत करने में मेहनत किया गया कि इन्होंने कॉपी करके पेस्ट सिंगापुर और दो तीन कंट्रीज का, का जीएसटी लो उठाया कॉपी करके पेस्ट और लो साहब इंडिया का जीएस लो तैयार रेडी सर आईसीआई हेडक्वार्टर दिल्ली उसका ड्राफ्ट लो भेजा वहां पे और बोला दिसंबर 2010 जो पार्लियामेंटरी सेशन था बोला आईसीआई को कि अपना रिप्रेजेंटेशन भेजो अपना डेलीगेशन यहां भेजो जो अपना डेलीब्रेशन देगी जीएसटी पे बेटा क्लियर वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने पॉइंट्स कि इंडिया में जीएसटी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ड्राफ्ट लो कैसा है अपना डेलीगेशन भेजिए और इनडायरेक्टली इनफॉर्मली ये इंटीमेट कर दिया कि तुम कुछ भी प्रेजेंट कर लेना जीएसटी तो आएगा पप्पू पास होगा <coughs> साहब इनफॉर्मली इनफॉर्मलीमेट कर दिया जीएसटी आएगा और सर आईसीआई को टाइम दिया 25 मिनट का सर मतलब देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा 20 से 25 मिनट का का कोई टाइम दिया सर देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम चेंज हो रहा और आईसीआई को अपना पूरा उस सिस्टम को सही हो रहा है कि नहीं हो रहा उसको समझाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर टाइम दिया पच्चीस मिनट का विच इज वॉज एन इंस आई और इनफॉर्मली इंटीमेट कर दिया कि तुम कुछ भी कर लेना जीएसटी तो आएगा ठीक है सर। आईसीआई ने अपना डेलीगेशन भेजा दिल्ली पार्लियामेंट में दिसंबर दस की बात कर रहा मैं सर आप सर आपसे। टीम ने क्या रिप्रेजेंट किया सुनना ध्यान से उन्होंने बोला जीएसटी आना चाहिए वी वॉन्ट द टैक्सेशन सिस्टम टू बी मस्ट ग्लोबल इकोनॉमी आज ग्लोबली सिंगल टैक्स आज देखो सर वर्ल्ड से लोग इन्वेस्टर यहाँ पे क्यों नहीं आते क्योंकि यहां टैक्स में उलझ जाता, उल जाता है तो सर? सर, पंद्रह परसेंट है किसी स्टेट किस में पांच कॉस्टिंग चेंज हो जाती ना यार जाती सर, लोगों की यार तो सर आना चाहिए जीएसटी पर कॉपी करके पेस्ट जिस कंट्री आप कॉपी करके पेस्ट कराया आपने ये पार्लियामेंट बोला ऐसे ही नहीं सर जिस कंट्री से आपने कॉपी करके पेस्ट किया है उससे बड़े तो हमारे स्टेट से चक्कर <laughs> सर, नहीं है तो वो तो ऑल इंडिया एक ही है और ऑल इंडिया सेम है सर चक्कर किसका है वेट का है या हर स्टेट का वेट लो अलग अलग है हर स्टेट ने अपने कल्चर के हिसाब से अपने

मुंबई का नरीमन पॉइंट कोलकाता का जवेरी दोनों मेट्रो सर, और दोनों के पीक एरिया सर, मार्केट के। दोनों की प्रॉपर्टी रेट्स कंपेरेबल नहीं है हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टेडी ऑफ इंडिया एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भले वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो एवरी बडी वो आईसीआई और आईसी ने अपना काम पांच मिनट में कर डाला एंड वहीं पे जीएसटी का मुद्दा खत्म हो गया और आईसी ने बोला थैंक यू सो मच आपने हमको 25 मिनट का वक्त दिया पर वी आर दी एज ऑफ इंडिया हमने पांच मिनट अपना काम कर दिया और 20 मिनट पार्लियामेंट के बचाया है आगे। 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 और सर पप्पू पास नहीं हो दम लगता है साहब दम लगता है दम लगता है एंड सर 2014 के अंदर जब सरकार आई लग गए दिन रात लग गए दिन रात तब जाके फर्स्ट जुलाई सेवनटीन को ये सपना पूरा हुआ जिसका नाम क्या था बेटा गुड्स एंड सर्विस बनते हुए देखा है सर तीन ड्राफ्ट है इसके सर, तब जाके फाइनल हुआ है जीएसटी लास्ट में जाके फर्स्ट जुलाई सेवनटीन को सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात करी सर बात करी सर सारी स्टेट से अच्छा चक्कर पता है क्या था सर अब गवर्नमेंट के सामने मुद्दा क्या आया जीएसटी लाना, लाना है सर लाना है सर वर्ल्ड प्लेयर्स के साथ में अगर आपको करना है तो यू हैव टू तो ब्रिंग द जीएसटी इन इंडिया लाना है पर कैसे सर सर देखो वेट का चक्कर नहीं था सॉरी सर. सर्विस टैक्स और एक्साइज का चक्कर नहीं था वेट का चक्कर था सर तो सर हर स्टेट गवर्नमेंट से बात करी हर स्टेट गवर्नमेंट से बात करी कि क्यों ना जीएसटी ले आए अब गवर्नमेंट ने क्या बोला सर अगर अब सुनना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनना कि अगर जीएसटी लेके आ गए तो वन नेशन वन टैक्स तो कर दोगे पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हम क्या करेंगे क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे सारा रेवेन्यू अगर जीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी तो हम क्या करेंगे तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बोला ठीक है तुम ले जाओ हमारे कपड़े भी ले जाओ लो हम क्या करेंगे फिर क्लियर तो सारा रेवेन्यू सेंट्रल को भी नहीं दे सकते सारा रेवेन्यू स्टेट को भी नहीं दे सकते क्लियर तो फिर डिसाइड हुआ क्या मिल बांट के खाएंगे तरबूज कटेगा और सर वहां आया क्या जीएसटी और वहां गवर्नमेंट ने बोला क्या जो भी रेवेन्यू आएगा डिवाइड बाय टू आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का आधा स्टेट गवर्नमेंट का और वहां आया क्या सीजीएसटी और जो आपने पढ़ा ना सर सेंड क्रेडिट दैट इज द जी एस टी जो आपने पढ़ा वेट क्रेडिट वो क्या है S -S क्या सी का क्रेडिट एस में काम आ सकता है क्या नहीं। क्या एस का क्रेडिट सी में काम आ सकता है क्या लोगों को साल हो गए समझने में आपको अभी समझ में आ गया सर अरे ऐसे नो क्या आने वाला है समझ में आ रहा आपको अभी आया नहीं है सर झलक पहुंच गई सर आ रहा है, आ रहा है। सर रहा है। ये है दम सर तो सर सुनना ध्यान से इसलिए वहां सिस्टम बनाया मिल के खाएंगे अब सर सवाल क्या है, पता है? कि ठीक है सर मेरी बात समझना अगर पूरा एक्ट बनाने के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे स्टेट को बोलेंगे ठीक है 50 परसेंट को दे देंगे सर पर पावर कुछ भी नहीं तेरे पास तो यार आप सोचो किसी एम्प्लॉय को सीएफओ की कुर्सी बैठा दिया कि तू सीएफओ है पर बस बेटे बेटे सैलरी चाहिए किसी को तू ऑर्डर नहीं दे सकता है कोई काम तू किसी को बता नहीं सकता है तेरे पास कोई पावर नहीं है तो क्या वो जॉब ज्वाइन करेगा बेटा पावर भी तो चाहिए यार केवल रेवेन्यू से क्या होता है सर आज देखिए आज स्टेट गवर्नमेंट के पास वेट लो बनाने का पावर था तो हर इंडस्ट्री वाला स्टेट के मिनिस्टर्स को पूछता था साहब हमारा थोड़ा वेट कम कर दो सर हमारा थोड़ा सर टैक्स में थोड़ा कंसेशन दे दो सर अरे हाँ भाई अगर सारा पावर इनके हाथ से निकल जाए तो सर मजा आएगा क्या सर इनको रेवेन्यू भले ही मिल जाएगी पर पावर चला जाएगा तो मजा आएगा क्या सर इनको नहीं इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बोला नहीं नहीं, नहीं। रेवेन्यू से काम नहीं चलेगा केवल कुछ पावर भी तो चाहिए तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अगर सोचो वेट अगर सोचो जीएसटी बनाने का पावर हर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने अगर अपने अपने हिसाब से जीएसटी लो बना दिया तो लग गए वन नेशन वन टैक्स के तो बेटा वापस लौट के दो घर को आ जाएंगे बेटा क्लियर तो स्टेट गवर्नमेंट बोला तो क्या हम आपको पावर दे दे अगर मोदी जी को पावर दे दिया खत्म कर देंगे सर सबको हाँ है ना भाई क्लियर तो सर मिल बाट के रेवेन्यू खाएंगे तो मिल बाट के लो भी बनाएंगे तो सर दोनों ने डिसाइड किया ना तेरा ना हम दोनों मिल बनाएंगे मिलके कैसे बनाएंगे

लो क्या बनना चाहिए जीएसटी काउंसिल क्या है लॉ बना दिया मतलब किसने बनाया बेटा सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया बेटा झगड़ा ही खत्म बचो क्लियर इसने जीएसटी काउंसिल बनी और आप देखते होंगे सर हर क्वार्टर में इनका मीटिंग होता है बेटा जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया ये चेंज होना चाहिए ये चेंज होना चाहिए क्लियर तो वहां से जीएसटी काउंसिल क्या करती है रिकमेंडेशन देती है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है लो के अंदर अमेंडमेंट करती बैठा हाँ है ना भाई तो वहां से आया है क्या जीएसटी गुड सैंड सर और हर स्टेट का जो एस जी एक्ट है और जो हमारा सी जी एक्ट बना हुआ है वो एब्सोल्युटली सेम है क्लियर वो क्यों सेम है कैसे सेम है इसी कहानी हम पढ़ेंगे पर यहां तक पिक्चर समझ में आया कि नहीं आया <laughs> दस का क्रेडिट मिला कि नहीं मिला सर आपको <laughs> अरे हा ना भाई <laughs> चलो तो सर एक काम करता हूं मैं वो जो स्क्रीन जो मैंने लिखा है वो ओपन करता हूं यू जस्ट हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड सो दैट आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर पाए अच्छा एक बात एक बार एक बात और एक बात और सर सबसे पहली बात आ, अपना जो लेक्चर है दिस इज कंप्लीट फेस टू फेस बेच ठीक है लगभग थर्टी टू फोर्टी लेक्चर्स मेरे को लगेंगे इफेक्टिव टू कंप्लीट द सिलेबस और

जिनकी भी एग्जाम मे नवंबर 24 में या ट्वेंटी 24 में टेक्निकल टीम के uh, yes, नंबर जो वीडियो क्लासेस में उनको टेक्निकल टीम के नंबर के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे सर सेल्स के लिए टीम के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे आपको क्लियर क्वेरी सोल्यूशन का क्या होगा साँग? वैसे मैं आपको बता देता हूं 99 परसेंट तो आपको क्वेरी आएगी नहीं सर अगर हम ध्यान सुना तो मेरी गारंटी सर मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको सर क्लियर ले उस लेवल से आपको ले जाऊंगा कि क्वेरी की बात ही नहीं लेकिन आप खुद सोल्व कर दोगे सर फिर भी आएगी फेस टू फेस बेस में तो हम सोल्व सर आफ्टर लेक्चर भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो और मैं आपको एक ईमेल आई दूंगा आस्क टू वा लिख देता हूं सर यहां पे डॉट इंटर

मैं हट जाऊं जीवन से लो साहब मैं हट गया आपकी जीवन से बस नहीं है तू मैं डन इनको जरूर नोट करानी नोटबुक में प्लीज सर प्लीज सर इट्स अ रिक्वेस्ट और हाँ क्लास का रूल ये है कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपके एंड पे आज रिवाइज होना चाहिए बेटा वो हो गया मेरा कमिटमेंट है सर आपसे जो मैंने आपको आज पढ़ाया है वो आपको लास्ट डे भी याद रहेगा और याद कैसे रहेगा वो मेरा काम है सर ओके सो ऑल दी बेस्ट गाइस भारत माता की भारत माता की थैंक यू सो मच मिलते हैं कल सुबह आठ बजे सर थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू वीडियो क्लास में जो भी है थैंक यू सो मच बाय बाय